दोस्तों आज के नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए गाइस, हमारे यहाँ दीवार बन रही है। तो अंकल ने पिछली बार भी हमारे यहाँ काम करा था, ऊपर के रूम बने थे तब, और अभी भी अंकल को ही बुलाया हमने। और सीमेंट की ये ब्लॉक वाली दीवार बनेगी। इसमें सीमेंट नहीं लगती है, इसमें ये ब्लॉक और ये क्या बोलते हैं इसको, केमिकल मिलाते हैं और ये बन जाती है। इसमें जो रियल वाली ईंट रहती है वो नहीं लगती है, ईंट रेत वगैरह, बस ये केमिकल से जुड़ जाती है। ये फर्स्ट ईंट सीमेंट की है, फर्स्ट ब्लॉक रखा गया। सुबह आराम होगा दीवार बनने, ये तो बहुत जल्दी भी बन जाएगी। फिर कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मेरे को अब आवाज भी नहीं आएगी कहीं की, ना कुछ होगा, ना हमारे घर के बाहर बाहर जाएगी, ना बाहर के हमको अंदर सुना आएगा। सही बात, बहुत अच्छा लग रहा है, बन जाएगी अभी एक दो घंटे में, बहुत जल्दी बन जाएगी अंकल ये तो, है ना? क्या बोले, दीवार बन रही है बढ़िया। तो ये देखिए गाइस, अभी यहाँ तक आ चुकी है दीवार, और ठेकेदार बड़ी मुश्किल से आज बना रहे दीवार। पिछली अप्रैल में काम चालू हुआ था, ये अप्रैल में काम खत्म हो रहा है हमारा। बीच में गैप भी तो था, गैप था, लेकिन काम तो अभी खत्म हो रहा ना सही है। अब अगले साल कोई नया काम करेंगे हम। क्या नया काम बताएंगे भाई? जल्दी नहीं जाऊँ अभी कहीं, गाने याद करना पड़ेगा। अभी भाई क्या करते हैं? और बेटा बाकी बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया है, ये आते आते तो जाती रहती मम्मी। ये अब कहाँ रखेंगे पापा, ये तुलसी का? अब इनको रिटायर कर दो। कहाँ रिटायर कर, बेचने को बोले पापा, डायरेक्ट बेच देंगे उसको पापा। दीदी बेचने को बोले नहीं, क्या नहीं, दूसरा पौधा लगा देंगे। किने रखा है? एक काम कर, बाहर रख दे, गाय उन्नी पूर्ण देगी। और ऐसा तो वैसे आता क्या ऊपर की जेड के लिए ना? ओके ओके ओके। यहाँ से काम देख रहे हैं और इधर दीवार बन रही है। ये देखिए गाइस, हमारी ये दीवार पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। कैसा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया। आज गाइस हमने हमारे न्यू काम के लिए मशीनें मंगवाई है, सिलाई मशीन, तो वो आ चुकी है अभी बुरहानपुर से। कितनी मशीनें हैं भाइयों? हाँ पांच मशीन है, तो ये आ चुकी है। और ये देखिए गाइस, दीवार बन चुकी है। अब अंशु को घूम के आना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, ये सारी मशीन्स आ चुकी थी, ये सभी बुरहानपुर से आई है। पांच सिलाई मशीन मंगवाई है पापा ने, जिसका ये जो नीचे का मत्था आता है वो भी है, ऊपर वाला, और जो ये पैर से चलाने वाले पैडल आते हैं वो भी है। तो यहाँ पर ये बुरहानपुर से आई है, तो प्रफुल्ल और पापा ये लेके आ रहे थे, पर भैया देखिए कितना ज़ोर से एकदम से गिर गया था, क्योंकि उससे शायद बैलेंस नहीं हो पाया, और ये सीढ़ी दिखती नहीं है हमारे यहाँ की। तो अभी पहली वाली तो उसने अच्छे से लेके चला गया छत पे, क्योंकि सारी मशीन स्टूडियो में रखाएगी। तो यहाँ पर पहली मशीन आ चुकी है, और फिर हमारी मदद करने के लिए दर्शिल और
अंशु है बच्चा, ये दोनों कॉलोनी के हैं, तो ये लोग भी आ गए थे। और फटाफट से देखिए मशीन कितने अच्छे से लेके आ रहा है। ये ऊपर वाली मत्था बोलते हैं जिसको, वो है। और जो भैया बुरहानपुर से आए थे वो भी मशीन ऊपर लाने में मदद कर रहे हैं। उनको बोल रहे थे कि हमारा तो डेली का ही काम है तो उनको कुछ भी नहीं होगा। आराम से दर्शन, मम्मी हटो वहाँ से, वो देख ले एक बार में ला रहे वो भैया। पानी की बोतल रखी है एक अंदर। हट रहे अंशु, हट जा। देखो सर्दी हो गई अंशु। तो ये नए काम के लिए हमारी न्यू चीज आ चुकी है। यह है हमारी सिलाई मशीन। 5 सिलाई मशीन मंगवाए हैं पापा ने, तो अब इनको अच्छे से असेंबल करेंगे और फिर चालू होगी हमारी सिलाई क्लास, जो कि पापा ऑफलाइन करवाएंगे और ऑनलाइन भी करवाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।